दोस्तों, डीप नेक ब्लाउज पे लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत होता है आर्महोल पे। उनको समझ में नहीं आता है आर्महोल का शेप किस तरीके से देना है और किस हिसाब से देना है, और आर्महोल का जो मेजरमेंट है ना, वो लेने का तरीका क्या है। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, वीडियो पूरा देखिएगा। छोटा सा एक वीडियो है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और एक बात, किस साइज पे कितना आर्महोल का शेप हो सकता है, पूरा डिटेल्स में आज आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो फिर चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने हाइट के हिसाब से ब्लाउज का लंबाई रख दीजिएगा। तो ब्लाउज का लंबाई लेने के बाद अभी यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो देखिए, डीप नेक ब्लाउज पे नॉर्मली शोल्डर 5½ इंच रख दीजिएगा। अभी आर्महोल देखिए यहाँ पे कितना ले सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे 1/4 इंच रखूंगी, 34 साइज पे, 34 साइज पे यहाँ पे 1/4 इंच रखूंगी। अभी इसको पहले सीधा मिला लेती हूँ। देखिए, इसमें और एक बात बोलना चाहूंगी, हर किसी का बॉडी के हिसाब से आर्महोल का मेजरमेंट अलग अलग होता है। किसी किसी का देखिए आर्महोल बहुत छोटा रहता है, किसी किसी का आर्महोल का मेजरमेंट बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी का अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट बहुत ही कम होता है, किसी किसी का क्या होता है, बॉडी के हिसाब से बाजू बहुत ही पतला होता है, किसी का बहुत ही मोटा होता है। उसी हिसाब से अलग अलग करके आपको मेजरमेंट लेना होता है। अभी आर्महोल यहाँ पे ले लिया, अभी देखिए इसको पहले सीधा कर लेती हूँ। अभी चेस्ट का 1/4 भाग लेना है, यहाँ पे 34 का 1/4 भाग लेना है, 8½। इसके साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख दो। अगर अंदर आप ज्यादा फैब्रिक रखना चाहते हो, उस टाइम पे आप 2.5 इंच रख दो। तो देखिए, अभी दिक्कत होता है यहाँ पे लोग का सबसे ज्यादा, यहाँ से कितना लेना है। देखिए, 1 इंच से ये शुरू होता है, 1 इंच से लेकर आप ये 1.75 इंच तक ले सकते हो। ये जो आर्महोल का शेप, इससे ज्यादा आपको आर्महोल का शेप नहीं देना है। अगर बहुत ज्यादा बिग साइज होता है, ट्रिपल एक्सल होता है, उस टाइप पे 2 इंच लेना है, नहीं तो आपको 1 इंच से लेकर 1.75 इंच तक यहाँ पे आर्महोल का शेप होता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं देना है। अभी इसमें किसी का 1 इंच होता है, किसी का 1.2 होता है, किसी का 1.3 होता है, किसी का 1½ होता है। बॉडी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आपको लेना होता है। अभी इस साइज पे देखिए, मैं यहाँ पे 1 इंच पे रख दूंगी। अब इसको मिला लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया। अभी आर्महोल का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो देख लो। इसमें देखिए क्या करना है, शोल्डर पर जब सिलाई होगा ना, उस टाइम पे यहाँ पे लगभग 3 सूत माइनस होगा, यहाँ पे लगभग 3 सूत या 1/2 इंच माइनस होगा जब स्लिप ज्वाइंट होगा। अभी यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। देखिए इसमें कितना हो गया, देखिए 15 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इसमें। तो जिसका आर्महोल का मेजरमेंट 15½ या 16 इंच होता है, उस टाइम पे ये जो मेजरमेंट मैंने अभी लिया ना, ये आपके लिए परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको आर्महोल का मेजरमेंट निकालना है। साइज कुछ भी हो, तरीका ये होता है। तो अभी इसमें जो मेजरमेंट लिया ना, इसके साथ अभी कोई भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, ब्लाउज जब फिटिंग्स होगा, फिटिंग्स करते टाइम आपको जितना भी लूजिंग चाहिए ना, आर्महोल पर जितना भी आपको लूजिंग चाहिए ना, वो आपको उस टाइम पे मिल जाएगा। पहले से आपको लूजिंग नहीं लेना है, जितना चाहिए आपको उतना ही लेना है। तो देखिए, इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होता है, तब क्या करना है, हल्का सा आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा लेना है, हल्का सा ऐसे उठा दो। अगर देखते हो छोटा हुआ है, उस टाइम पे हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे डाउन कर दो। हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जो तरीका है ना, बहुत ही इजी तरीका है, आप इस तरीके से बहुत ही इजीली कर सकते हो। अगर इस तरीके से भी लेने में आपको दिक्कत होता है, उस टाइम पे मैं हर एक साइज पे, हर एक वीडियो पे जिस तरीके से आर्महोल का मेजरमेंट लेती हूँ ना, आप वैसे करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी ब्लाउज का आर्महोल परफेक्ट होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। इसको पहले मिला लेते हूँ। अभी देखिए, आर्महोल शेप कैसे देना है वो तो हमें मिल गया है, लेकिन किस साइज पे कितना आर्महोल लेना है वो देख लीजिएगा। देखिए, 32 से लेकर मिनिमम 38 तक ये 1/4 इंच आर्महोल का मेजरमेंट होता है, 5.75 इंच इतना तक होता है। इसमें अगर किसी का आर्महोल ज्यादा होता है, उस टाइम पे 6 लेना है, अदरवाइज ये मेजरमेंट आपके लिए परफेक्ट होगा। उसके बाद 39, जिसका अपर चेस्ट है, 39 इंच से लेकर मिनिमम 44 इंच जिसका अपर चेस्ट है, उस टाइम पे आप यहाँ पे 6 इंच रख दो। इससे ज्यादा लेने का कोई भी जरूरी नहीं है। तो आर्महोल का जो मेजरमेंट है ना, ये दो मेजरमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है।
ये जो साइज है ना, इस साइज का ब्लाउज सबसे ज्यादा होता है और मेजरमेंट ये आपका परफेक्ट होगा। देखिए इसमें, देखिए 38 जहाँ पे है ना, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है मेजरमेंट कैसे लेना है, उस टाइम पे आप सीधा यहाँ पे 6 इंच रख दो 38 साइज पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हल्का सा अगर लूजिंग होता है ना उस टाइम पे, फिटिंग्स करते टाइम थोड़ा सा दबा के आप फिटिंग्स लगा दो, आपका परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको सिर्फ आर्महोल ही समझाना था। अभी देखिए इसमें कितना नेक डेप्थ होने से आप इतना आर्महोल और आर्महोल का शेप ले सकते हो। देखिए नेक का चौड़ाई आप यहाँ पे 2 इंच रख दो नॉर्मली। देखिए बैक साइड पे जब 9.5, 10 या 10.5 इस तरह का जब होता है ना, उस टाइम पे आपको ये जो मेजरमेंट मैंने आपको दिखाया ना, ये मेजरमेंट आपके लिए परफेक्ट होगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है बैक पार्ट का मेजरमेंट। तो मैं बैक के हिसाब से फ्रंट का पूरा मेजरमेंट करती हूँ। किसी किसी का क्वेश्चन हो सकता है, बैक पार्ट तो आपने दिखा दिया, फ्रंट तो नहीं दिखाया। देखिए बैक जिस हिसाब से होता है ना, मेरे जो मेथड है ना ब्लाउज का, बैक के हिसाब से फ्रंट होता है। तो आप बैक यहाँ पे देख लीजिएगा और मेरे कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा जहाँ पे फ्रंट पार्ट कटिंग हुआ है, उसी हिसाब से आप कर सकते हो, आपकी ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है किस साइज पे कितना आर्महोल लेना है और आर्महोल का शेप कितना तक उठा सकते हो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा सबको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।